अभी हम लोग करेंगे स्थित कोणासन। इसमें दोनों पैरों को खोल लेते हैं, फैला लीजिए, हाथों को उठा लीजिए, कमर सीधा, मेरुदंड पीठ भी सीधा करिए। और ये जो अभ्यास करिएगा ना, पूजा जैसा करिएगा, जैसा आराधना करते हैं ना लक्ष्मी का, दुर्गा का, भगवान का, सूर्य भगवान का, उसी प्रकार पूजा समझ के करिएगा, तब इसका फायदा मिलेगा कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, सांस देवता की पूजा कर रहे हैं। ऐसा भाव मन में रख के करना है। सांस को पूरा भर लीजिए और सांस को छोड़ते हुए दाहिने हाथ को बाएं पैर के ऊपर रखना है ऐसे, और बायां हाथ पीछे ले जाना है और गर्दन घुमा के पीछे देखना है। फिर सांस को भरते हुए सीधा हो जाइए और अब सांस को छोड़ते हुए बाएं हथेली को दाएं पैर की तरफ और बायां दाहिना पीछे की तरफ ले गए। अब यही अभ्यास हम 20 बार करेंगे। तो आइए, ये जिनको गैस कब्ज है, घुमाइए पूरा, इससे कमर पतला होगा, करते रहिए, लाभ बोलते रहे, कमर पतला होगा, गैस कब्ज नहीं होगा, जिनको भूख कम लगती है भूख बढ़िया लगेगा, और जिनका पेट की चर्बी हो गया है, मोटा हो गए हैं ज्यादा, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। करिए अभी, रुक जाइए, उल्टा करना है माता जी, दाहिना से बाएं को छूना है। अब कुछ आदमी लग रहे हैं गोरिया बाबा पूज रहे हैं, इसमें ऐसे नहीं करना है, इसमें सीधा करके और ये सीधे ऐसे घुमाकर यहाँ लाएंगे ऐसे। अब जिनको साइड में चर्बी है, इधर इधर पीछे लटक जाता है, आगे निकल जाता है, तो उनके लिए तो जबरदस्त अभ्यास है माता जी इसका। आइए 10 बार और कर लेते हैं अभी। सांस भरते छोड़ते रहिए, इसमें हंसी का कहाँ सवाल है। हो गए, बस हो गए।